सबसे पहले बधाई आपको देना चाहूंगा क्योंकि आपने इतना बहुत लंबी जर्नी रही, बहुत लंबा ये रहा, ये आसान काम नहीं था, बहुत टेढ़ी खीर थी जिसको सरकार से तो कुछ भी काम कराना आसान नहीं है क्योंकि इस विषय पे सारे लोगों का अपना अलग अलग मत था, अपनी राग अपना अपना डफली था, राइट। लेकिन ओवरऑल लास्ट में आपको एक कामयाबी मिली, कितनी खुशी हो रही है और क्या कहना चाहेंगे जी? मुझे एक्चुअली बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैंने जो है इस पे कोई यू नो डेट या फिर इससे कोई कमाई या फिर इससे कोई यू नो अचीव करने की कोई ऐसी प्लेट ट्रॉफी मेरे लिए ये थोड़ा स्पेशल इसलिए था क्योंकि मैं यू नो जब 13 साल का था तब से इंडिया के लिए टेक्वांडो खेलता था, यू नो टाइक्वांडो बोलते हैं इंडिया में शायद, तो टाइक्वांडो एक कोरियन मार्शल आर्ट है और हम जब इंडियन टीम के लिए खेलने जाते थे तो यू नो सबसे एक डिफाइनिंग मोमेंट या सबसे प्राउड मोमेंट वो होता है जब आप यू नो कहीं प्रदेश में हैं स्टेडियम में और आपके मैच के पहले नेशनल एंथम चलता है और वहाँ के लोग खड़े होते हैं रिस्पेक्ट में, तो इसलिए नेशनल एंथम यू नो मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। और अब बात ये थी कि यू नो मैं दिल्ली से पला बढ़ा हूँ और दिल्ली कैपिटल है, वहाँ यू नो बचपन से हमने टीवी पे देखा है कि 15 अगस्त मनाई जाती है, 26 जनवरी मनाई जाती है और वहाँ के सिनेमाघरों में यू नो नेशनल एंथम का नाच चलना, और सिर्फ सिनेमाघरों की बात नहीं है, मेरे तो कई ऐसे दोस्त हैं जो स्कूल के बाद जो है वो नेशनल एंथम उन्होंने गाया ही नहीं है, वो एक्चुअली नेशनल एंथम की लिरिक्स 2-4-5 लाइन तो पहले की याद है, उसके बाद की यू नो वो लाइन्स ही भूल गए हैं, तो ये थोड़ी सी एम्बेरसिंग वाली बात है। बट जैसे कि आप कोई भी हो, चाहे आप यू नो एक एस्ट्रोनॉट हो या मेकअप आर्टिस्ट हो, आप सपोज अगर यू नो अब्रॉड में हैं और आप कुछ अपनी फील्ड में यू नो कामयाबी हासिल करते हैं तो अगर वो आपको ऑनर करेंगे नेशनल एंथम से और आपको अपने ही देश का नेशनल एंथम नहीं आया तो थोड़ी सी एम्बेरसिंग वाली बात है। सो क्योंकि मैं एक यू नो लॉ ग्रेजुएट हूँ और मुझे थोड़े अपने लॉस पता हैं, राइट्स पता हैं, तो मैंने जो है यू नो लेटर्स लिखने से शुरुआत की थी और तब क्योंकि मैं बॉम्बे रहता हूँ क्योंकि यू नो काम यहाँ है, तो ये मुझे एक फ़र्क लगता था कि जब मैं फैमिली से मिलने दिल्ली जाता था तो वहाँ पे नेशनल एंथम नहीं चलता था, और जब मैंने पता किया यू नो अपने पेरेंट्स से तो मेरी मॉम ने मुझे बताया कि पहले 1980s तक चलता था और फिर बंद कर दिया गया। बंद करने की एक्चुअली वजह ये थी कि वो एक प्रोग्रामिंग एरर था कि वो जो है नेशनल एंथम फिल्म शुरू होती थी और फिर जब ख़त्म हो जाती थी और वो सारे नाम जो है इतने सारे नाम जो चलते हैं उसके बाद नेशनल एंथम शुरू होता था, और तब एक्चुअली कोई इस माइंडसेट में नहीं रहता है कि यू नो सारे नाम पढ़े और उसके बाद जो है नेशनल एंथम के लिए खड़ा हो और वहाँ पे रुके, क्योंकि लोग अपना फिल्म देखते हैं और फिर निकल जाते हैं क्योंकि 2-2.5 घंटा हो गया, सबको इधर उधर पहुँचना होता है और फिल्म ख़त्म हो गई है तो आप कोई यू नो रुकने का कोई उनके लिए एम नहीं रहता है। तो ये एक फ़र्क मुझे लगता था कि मतलब बॉम्बे में तो चलता है और यू नो दिल्ली में नहीं चलता है और ये चलना चाहिए, तो 2010 में मैंने शीला दीक्षित जी जो तब वहाँ की सीएम थी तब लेटर लिखा था और यू नो कुछ जवाब नहीं आया, कुछ हुआ नहीं, वो शायद थोड़ा मेरा बचपना था कि एक लेटर से कुछ होगा, तो उसके बाद जो है फिर जब भी मैं दिल्ली जाया करता था वो बात कहीं ना कहीं जहन में आती थी, बट वो कहते हैं ना आम मर्रा की जिंदगी में आप जो है कुछ आप सोचते हैं कि शायद ये होना चाहिए वो होना चाहिए बट आप रोज उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते बिकॉज हर आदमी अपने काम और इस सब में बिजी रहता है। फिर एक्चुअली ये हुआ कि यू नो मेरे कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जो एक्चुअली पीआर में काम करते हैं और कंपनीज में काम करते हैं एंड वो कॉज रिलेटेड काम करते हैं कि यू नो हर अब रूल है कि कोई भी बड़ी कंपनी हो तो उनको अपना 2% जो प्रॉफिट है वो यू नो सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए लगाना है, तो ऐसी डिस्कशन में बात निकली और यू नो काफ़ी मेरे दोस्तों ने मुझे सपोर्ट किया कि आप तुम ये करते क्यों नहीं हो, शायद अब यू नो वक्त अलग है, शायद अब यू नो ट्विटर है, शायद अब यू नो एक आदमी कोई एक अच्छी चीज़ बोले तो व्हाट्सएप पे इस पे उस पे फॉरवर्ड होती है और थोड़ी ज़्यादा कान मिलते हैं आपको, थोड़ी सी अटेंशन ज़्यादा मिलती है, सो वैसे ये शुरुआत हुई थी और पहला तो लेटर मैंने यू नो अरविंद केजरीवाल जी को ही लिखा था और उनका जवाब आया था कि हमने डेप्यूटी सीएम को ये फॉरवर्ड किया है, बट फिर कुछ हुआ नहीं। ऑलमोस्ट सेम स्टोरी थी जब मैंने यू नो ये सारे पूरे नॉर्थ इंडिया में लिखी, राइट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू यू नो गुजरात टू कैलकटा, तो कहीं से कुछ जवाब आया और कहीं से कुछ
टाइम ऐसा हुआ कि हाँ मिलेंगे, हमने बोला है डिप्टी सीएम को और फॉरवर्ड किया है, तो उसके बारे में कुछ हुआ नहीं. और इसी के लिए हमें यू नो मैं सारे कैपिटल्स गया था. मेरे पास कुछ आप नेट पे भी देखेंगे तो आपको मिलेंगे कुछ 250 आर्टिकल्स हैं अलग अलग यू नो कैपिटल सिटीज के. तो चाहे वो श्रीनगर हो या फिर गांधीनगर हो गुजरात के लिए, या फिर आपका चंडीगढ़ हो, देहरादून हो उत्तराखंड के लिए, दिल्ली हो, जयपुर हो राजस्थान के लिए, तो उन सभी में वो एक कवरेज थी कि यू नो एक्टर हर्ष नागर अर्जेस जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं एग्जिस्टिंग कि आप मैंडेटरी करेंगे प्ले करना नेशनल एंथम अपने सिनेमाघरों में मूवी स्क्रीनिंग से पहले. अब ये ऐसी चीज है कि मैं इसको बैठ के बदल नहीं सकता हूँ, या फिर यू नो कोई भी बिगेस्ट प्रोड्यूसर बदल नहीं सकते हैं, नंबर वन सिनेमा चेन बदल नहीं सकती है. ये एक ऐसी चीज है जो यू नो सरकार को बिलोंग करती है, और सरकार अगर आपको परमिशन देगी तो आप ये कर सकते हैं. और एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट्स थोड़ी सी डरी हुई थी क्योंकि इस पे जो है क्लैरिटी कुछ स्पेसिफाइड नहीं थी. जैसे कि आपको एग्जाम्पल दूं कि अगर नेशनल एंथम कहीं चल रहा हो तो आपको खड़े होकर उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन वही नेशनल एंथम अगर आपके टीवी पे आए जैसे 26 जनवरी या 15 अगस्त तो आपके खड़ा होना जरूरी नहीं है. ऐसे ही अगर यू नो आपका नेशनल एंथम जो है वो किसी फिल्म के सीन में आए तो वहां पे आपको उसको गाना जरूरी नहीं है. तो ये कुछ कन्फ्यूजन्स थी जो कि एक्चुअली इसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई पर्टिकुलर यू नो लॉ नहीं है, कोई एक्ट नहीं है जो डिफाइन करता हो. तो कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहा था कि हम जो है कोई इसके ऊपर यू नो एक जजमेंट दे दें, ये कह दें कि ये सही है ये गलत है, और स्पेसिफाई कर दें तो हम फंस जाएं कॉन्ट्रोवर्सी में, और हम कैसे कह दें कि क्या सही है गलत है. तो उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए जो है मैं यू नो हाई कोर्ट गया था, दिल्ली हाई कोर्ट. So I have this you know writ petition jo was filed from you know Harsh Nagar versus Union of India and others. So isme bhi High Court Delhi ne yahi kaha ki aap jo hai isme thodi clarity jo hai wo central government se le. To Harsh ji, ek aur aakhri sawal aap se karna chahunga ki 2010 से और 2016 तक आप जाके इस पे तो कहीं ना कहीं आप ये पूरी लड़ाई के दौरान कहीं आपके मन में ऐसा ख्याल आया कि अरे यार छोड़ो जाने दो, बहुत ये लोगों को नहीं पड़ी है तो मैं क्यों करूँ, कहीं ऐसा कुछ ऐसा यादगार? हाँ एक्चुअली सर मुझे ऐसा लगता है कि सबसे अच्छी चीज ये थी कि मैंने कोई डेडलाइन नहीं बनाई थी कि अब कर लेना या तब कर लेना, और ऐसा भी नहीं था कि मैंने सब घर बाहर ही छोड़ दिया है और जिंदगी ही छोड़ दी है. ये है कि मैं जब मौका मिलता था तो इसके बारे में बोलता जरूर था, और मुझे लगता है कोई भी चेंज जो है अवेयरनेस से ही आता है. और अगर मैं अपनी जिंदगी बदल लूं और यू नो तिरंगा पेंट करके भी चला जाऊं तो कोई बात तो सुन ही लेगा. बट वही है कि अब शायद थोड़ा 2010 से 2016 में टाइम डिफरेंट है, लोग थोड़े ज्यादा जुड़े हुए हैं. आप इस बात को लेके कि हाँ मुझे ऐसा जरूर लगा था कि बीच में बहुत जो है यू नो इफ्स एंड बट्स आए थे, बहुत हर्डल्स, बहुत क्वेश्चंस लोगों ने पूछे थे जो कि मतलब इतने यू नो प्रैक्टिकल भी नहीं थे. जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि लोगों ने कहा कि हम ये यू नो इंश्योर कैसे करेंगे, हम ये यू नो अचीव कैसे करेंगे कि जब नेशनल एंथम चल रहा होगा तो सारे लोग खड़े होंगे. अब ये ऐसी चीज है कि हमें स्कूल में सिखाया जाता है कि आप नेशनल एंथम में जो है यू नो सीधे खड़े, मतलब नेशनल एंथम क्या, आप एक प्रेयर भी करें तो सब यू नो आप चर्च में भी जाएंगे तो अगर वो बैठे हैं तो बैठे हैं और खड़े हैं तो खड़े हैं, तो वो वाली बात है. तो ये बोला जाता था कि अब क्या पुलिस देखने जाएगी सिनेमा हॉल में कि लोग जो है रिस्पेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. तो मेरा उनसे ये जवाब था कि क्या मैं किसी भी सिनेमा हॉल में बिना टिकट के ऐसे अंदर घुस सकता हूँ? नहीं ना, तो सिक्योरिटी तो उसके लिए भी है. और इसमें शायद यू नो अगर 20 लोग आप रोड पे देखते हैं, 20 लोग कहीं खड़े हो जाते हैं तो 21वां भी वहां खड़ा ही हो जाता है. तो अगर यू नो ज्यादातर लोगों को ये पता है कि नेशनल एंथम पे क्या करना है और स्क्रीन पे लिखा आता है इतना बड़ा यू नो प्लीज राइज फॉर द नेशनल एंथम और स्टैंड अप फॉर द नेशनल एंथम, सो आई एम श्योर अगर 20 लोग कर रहे हैं तो 21वां आदमी को अगर नहीं भी पता है तो वो सीख सकता है. और एक आदमी के ना करने से या ऐसी यू नो धारणा रखने से कि अरे मैं घूमू मुझे खड़े होने की जरूरत नहीं है,
उस एक आदमी की वजह से हम कोई यू नो ट्रेडिशन तो रोक नहीं सकते हैं. अभी भी देखिए, जब यू नो चाहे हमारे यहाँ ओबामा आए हुए हो या कोई भी हो, बट नेशनल एंथम जब 26 जनवरी या 15 अगस्त को होता है तो सबसे पावरफुल आदमी हो, जो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, वो भी खड़े होते हैं, और यू नो जो सबसे छोटा सोल्जर होता है वो भी खड़ा होता है. तो ये और भी कुछ चीजें थी कि यू नो लोग जो हैं निकल तो नहीं जाएंगे. तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें कॉमन सेंस की थी, पर मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ज्यादा जो है यू नो इफ एंड बट और क्वेश्चंस हो रहे हैं. तो मुझे लगा शायद अब इतने ही असमंजस में हैं लोग, तो फिर शायद ना करें ये लोग. तो so,